दोस्तों नमस्कार, मैं लोको पायलट अक्षय कुमार, स्वागत है आप सभी का। कुछ स्टूडेंट्स मेरे से सवाल पूछते हैं कि हम 10वीं क्लास के बाद लोको पायलट कैसे बने, क्या हम बन सकते हैं 10th क्लास के बाद लोको पायलट। जी हाँ, आप 10th क्लास के बाद लोको पायलट बन सकते हैं, लेकिन आपने 10th के बाद ITI की होनी चाहिए, और वो भी ये 16 ट्रेड हैं। इन ट्रेडों में से किसी एक में से आपने ITI पास की है तो आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं की है और 10th के बाद में दूसरा सवाल रहता है कि 10th में कितने परसेंट होनी चाहिए या फिर डिप्लोमा ITI में कितनी परसेंट होनी चाहिए। दोस्तों अभी तक 2024 के नोटिफिकेशन तक रेलवे ने किसी भी बार ये शर्त नहीं रखी है कि मिनिमम इतनी परसेंट होनी चाहिए लोको पायलट बनने के लिए आपके एग्जाम्स में, फाइनल रिजल्ट में। इसलिए आप केवल पास है, किसी भी तरीके से पास है तो आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर एज की बात करें तो इस बार 18 वर्ष से 33 वर्ष रखी है, वरना 18 वर्ष से 30 वर्ष रहती है सामान्यतः। COVID-19 की वजह से 3 साल की छूट दी गई है सभी लोगों को, और जो भी किसी अपने कैटेगरी वाइज जो एज में छूट मिलती है बाकायदा उनको अभी तक मिलती है। अब इसके फॉर्म भरने की बात करें तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, स्टेट और सेंट्रल के जो दो तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनुसार नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। फॉर्म भरने के बाद बात करते हैं हम सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों इसमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से और साइंस से। 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के होते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस CBT फर्स्ट में पूछे जाते हैं। उसके बाद में CBT 2 होता है, उसमें दो पेपर होते हैं। एक में सिलेबस सेम CBT फर्स्ट के जैसा होता है, और पार्ट बी में जो होता है वो ट्रेड के अनुसार होता है। आपने जिस ट्रेड से अपनी ITI BTEC डिप्लोमा जो भी कुछ किया है उसके अनुसार आपका पेपर होता है। CBT फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, इसको सिर्फ पास करना होता है। मिनिमम जो कट ऑफ है 25%, 30%, 40% उतने नंबर लेके आइए और पास हो जाते हैं। लेकिन वो CBT 2 में लेने के लिए एक शर्त रखती है रेलवे, जो टोटल वैकेंसी है कैटेगरी वाइज उसका 15 गुना 20 गुना जितना रेलवे को चाहिए उतने गुना कैंडिडेट लेती है रेलवे। इसीलिए कुछ कट ऑफ फिर वो बन करके निकलती है, लेकिन रेलवे उसको डिक्लेयर कभी नहीं करती। और CBT फर्स्ट का काम सिर्फ इतना ही है कि CBT 2 में आप बैठ जाए, उसके बाद CBT फर्स्ट के नंबरों से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन CBT 2 में ट्रेड वाला जो एग्जाम होता है आपका, वो सिर्फ पासिंग मार्क नंबर चाहिए आपको 35%, कितने भी ज्यादा लेकर के आओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 35% से एक नंबर भी कम आया या 0.1% भी कम आया तो आप पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे। इसीलिए पार्ट ए है वो आपकी कट ऑफ बढ़ाएगा। तो CBT 2 का पार्ट ए, जिसमें आपका सिलेबस CBT फर्स्ट के समान रहता है, उस पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर लेकर के आने, इस पेपर के 70% नंबर आपके जोड़े जाएंगे फाइनल मेरिट बनाने के लिए। अब 30% नंबर जो बचे हैं वो मिलेंगे साइको से, तो आपका जो साइको एग्जाम होगा 30% वहां से नंबर लिए जाएंगे आपके टोटल नंबर में से, 70% CBT 2 के आपके ये पार्ट ए में से लिए जाएंगे। इस तरीके से आपकी फाइनल मेरिट बनेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, आपका मेडिकल होगा, मेडिकल में से भी जब लड़के निकल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में से भी निकल जाएंगे, उसके बाद एक और फाइनल पैनल बनेगा जो मेन लिस्ट पैनल कहलाएगा, वो आपके ज्वाइनिंग दिलवाएगा, और इसके बाद में ट्रेनिंग होगी, उसके बाद में आप ड्यूटी कर पाएंगे। तो आपको जानकारी कैसी लगी, लोको पायलट बनने का पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया है, 10th क्लास के बाद लोको पायलट कैसे बने उसका आपको जवाब मिल गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।